हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद जी हैं। सर, आज आपने प्रेस वार्ता बुलाई थी, क्या विषय था? प्रमुख विषय था कि उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश बनाने के लिए मत्स्य क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना था, क्योंकि बाहर से मछलियाँ गुणवत्ताहीन आती हैं और गुणवत्ता मछलियों का है, वैसे भी उत्पादन क्षेत्र में हमें मतलब नंबर वन है। अभी हमारा जो इकोनॉमिक ग्रोथ था वो 25% का था, इसलिए हम चाहेंगे, आमंत्रित करना चाहेंगे कि हम विभाग को निर्देशित किए हैं कि कार्य कर कि लाभार्थी को जाएं और लाभार्थी के दरवाजे पर जाएं, उन्हें जब तक वो लाभार्थी आत्मनिर्भर न हो जाए, संचालित न कर दे, ठीक ढंग से अनुभव न ले रहे, तब तक उसके पीछे जाके देते रहें। और इस विभाग के माध्यम से, क्योंकि इसमें रोजगार के अपरम बहुत ज़्यादा संभावनाएँ हैं, इसलिए हम उनके लिए अनुदान भी दे रहे हैं। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना से पढ़ें, मुख्यमंत्री संपदा योजना, निषाद राज बोर्ड योजना, मछुआ कल्याण कोष है, अभी महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए भी दिया है कि महिलाएं जो हैं वो एयरडर लगाएं 75,000 की और हमसे अनुदान लें, तो ये सहयोग करके हम उन्हें आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। दूसरा, अभी वर्तमान में संविधान को लेकर जो सदन में अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, मैं उनसे कहूँगा कि संविधान के पन्ने में मझवार गांव त्रिया खर लेदरमैन वाशरमैन के साथ फिशरमैन है, और फिशरमैन को इन लोगों ने फिसला दिया था, फुसला के वोट ले लिया, तो ऐसे में उसकी आवाज़ उठाएं। हाई कोर्ट ने कहा कि मामला केंद्र का है और वहाँ उठाएं, और अगर नहीं उठाते हैं तो धोखेबाज माना जाएगा, क्योंकि उसमें RGI ने एक्सेप्ट कर लिया कि केवट मल्ला मझवार है। 1991 तक इनकी गिनती होती रही, इनका नाम पिछड़ी में डाल दिया गया, जो गलत है। गैर संवैधानिक अगर काम हुआ है तो उसे संविधान सभा में, लोकसभा में सही किया जाना चाहिए। लोकसभा में समाजवादी पार्टी, कांग्रेस के जो जीते हुए सांसद थे, उन्होंने संविधान को लेकर के शपथ लिया, इसको लेकर क्या कहें? इसीलिए मैंने कहा ना कि संविधान, अगर आप भय पैदा करके वोट लिए हैं कि आरक्षण खत्म हो जाएगा, ये तो हमारे निषादों को तो आरक्षण मिला ही नहीं है आपने, तो अगर उन्हें वादा करके लाए हैं तो उसे पूरा करिए। वहाँ उसमें संविधान में मिले हुए लिखा हुआ, संविधान की सूची में सूचीबद्ध है, लेदरमैन वासर में, मझवार गौड़ तुरैया खरवाड़ बेलार खरोट कोहली सात नामों से, तो उसको परिभाषित कराएं और इसमें पिछड़ी से नाम निकलवाएं और यहाँ पिछड़ों के कोटा से कम कराएं और अनुसूचित का कोटा बढ़ाएं। लोकसभा में नारे भी लगे, जय हिंदू राष्ट्र, जय फिलिस्तीन, इसको लेकर क्या कहेंगे? अरे भारत है तो भारत का तो नारा लगेगा ना, पाकिस्तान का नारा थोड़ी लगेगा। हम तो विपक्ष से ही कहेंगे कि फिलिस्तीन के नारे वाले को फिलिस्तीन भेज दिया जाए और अगली बार चुनाव लड़ने से, अगर ऐसा नहीं करते विपक्ष के लोग तो माना जाएगा उसका समर्थन कर रहे हैं, राष्ट्र का विरोध कर रहे हैं। हम तो धन्यवाद देंगे, हमारे लोग जय निषाद राज का नारा लगाए, निषाद पार्टी को और निषाद राज की उस गरिमा को उन्होंने काम किया, और मैं उम्मीद रखता हूँ कि ये सब सांसद जो निषाद गए वो जनता से आप वादे के मुताबिक आवाज़ उठाएंगे, आवाज़ उठाकर मछुआरों के आरक्षण का जो विसंगति उसे दूर करेंगे। इस बार विपक्ष के नेता राहुल गांधी होंगे, उनको लेकर क्या कहेंगे आप? मैं धन्यवाद दूंगा, विपक्ष का जो प्रतिपक्ष का जो पद है बड़ा गरिमामय पद है, बड़ा महत्वपूर्ण पद है, और उसकी गरिमा बनाए रखें। हमको लगता है ऐसा नहीं होगा, वो अपनी आदत के मुताबिक बचकानी हरकत करेंगे और कांग्रेस की किरकिरी होगी। उत्तर प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव भी होने हैं, मिर्ज़ापुर से एक आपके विधायक थे जो सांसद बन गए, वो सीट भी खाली है, कितनी सीटें आपको लग रही हैं और क्या मिर्ज़ापुर की जो मझवा विधानसभा चुनाव देखो, हम लोग जीत से जीत नहीं तो सीख अभी जो है, और जो उपचुनाव है भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर लड़ेंगे, और भारतीय जनता पार्टी की पहले से परंपरा रही है कि जो सीटें जिसकी होती है वो लड़ता है, मझवा और कटहरी हमारी है, वो हम लड़ेंगे। तो ये थे उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद जी, जिनका कहना है कि उपचुनाव में भी इनकी सीटें रहेंगी जो जीती हुई सीटें हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उनको मझवा विधानसभा मिर्ज़ापुर की सीटें देने वाली है। मंगला तिवारी, PTC न्यूज़, लखनऊ।